डॉक्टर स्टैनली वुल्फर्ड अपनी किताब जिना ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख का धारा बदल देते हैं, और ऐसे लोग और भी कम होते हैं जो दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देते हैं, और ऐसा कोई कोई होता है जो नई ममलिकत कायम करता है। मोहम्मद अली जिना एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बेयक वक्त ये तीनों काम किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित का कहना है कि अगर मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अबुल कलाम आज़ाद होते और कांग्रेस के पास एक लीडर मोहम्मद अली जिना होता तो हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता। मुसलमानाने बर्रे सगीर पर मायूसी के बादल छाए हुए थे कि अल्लाह ताला ने मुसलमानाने बर्रे सगीर पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उनके दरमियान कायद आज़म मोहम्मद अली जिना जैसा एक अजीम बतले जलील पैदा फरमाया जिसने कौम की रहनुमाई करते हुए उसे आज़ादी से हमकिनार किया। कायद आज़म ही वो अजीम शख्सियत थे जिन्होंने बड़ी तदबीर फहम व फरासत और दयानतदारी से अपना किरदार अदा करते हुए वो काम कर दिखाया जो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता था। मसौलिनी ने कायद आज़म को इन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है। कायद आज़म के मुतल्लिक ये कहना गलत ना होगा कि वो ऐसी तारीख साज शख्सियत हैं जो सदियों में जाकर कहीं पैदा होती है। कायद आज़म का किरदार, शख्सियत, सलाहियतें, बसीरत, खुद एतमादी और इस्तकलाल बेमिसाल है। मुखालिफीन मुतालबे पाकिस्तान को दीवाने का ख्वाब और मजदूर की बढ़ कहते थे और तमस्खर उड़ाते थे, मगर आप डटे रहे। हिम्मत और इस्तकलाल की बदौलत आपने दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान की हदूद को तस्लीम करवा लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की तारीखी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।